जो 42 इंच के खुड़ निकाले जाएंगे। ये देखिए बबलू ट्रैक्टर चला रहा है, अंश पूनिया ऊपर बैठा हुआ है सीट पे। ये हमने अपनी मर्जी से किया है, किसी की नकल नहीं की। 42 इंच पे है, टायर के अंदर की कन्नी पे दोनों खुड़ चल रहे हैं। बबलू ये बता इसमें खाद क्या क्या डालने हैं? इसमें खाद दे? हाँ, उरे को बता। खाद तो दुनिया इसमें बपाल डाल रही है, कोई कुछ डाल रही है, कोई कुछ डाल रही है। अच्छा, हम तो इसमें मील से रामबाण मिला था। अच्छा, मिला था मतलब 10 किलो बीघे का 15 का रामबाण डाल लेंगे और 1 किलो बीघे का डाल लेंगे हम इसमें रिजेंट। हाँ जी, और पेंडे पे करेंगे इमीडा क्लोराइड की स्प्रे और फंगीसाइड की सिस्टमिक फंगीसाइड। ये सारी हैं दवाइयाँ? सब है, स्टॉक पूरा है। तो भाई आपने सुना, भाई हुए जिनके पास में वो नुक है कि डाई डालनी चाहिए। भाई हम तो देख लो थारे सामने लकड़ संत खड़े ही है, हम तो पहले से ही रामबाण डाल रहे हैं। भाई ये रामबाण का कट्टा मिलता है मील से कितने का है? 400 रुपये? 470 का। 470 रुपये का 45 किलो का कट्टा मिलता है रामबाण। थोड़ी मिट्टी चढ़ाऊंगे जब, उस टाइम जो है 10 किलो बीघे का डाई डाल लेंगे DAP। अब नहीं डालनी? अब नहीं डालते, चाहे आके कोई भी भाई कोई कह रहा झूठ बोल रहा हो घर पे स्टोर। भाइयों अंधाधुंध लागत भी नहीं लगानी चाहिए, जाए जी है मील से हमें। दोराला मील जो है रामबाण देती है। ये कट्टा रामबाण का, रामबाण का सिंगल सुपर फास्फेट हुआ है, सिंगल सुपर फास्फेट लिखा हुआ है। इसको हम डालते हैं। 4 धड़ी बीघे का कितना? नहीं 10 किलो बीघे, 10 किलो बीघे का। और इसमें जो 2-3 कीटनाशक है वे मिला लेंगे, बस यही है काफ़ी। ज़्यादा कुछ नहीं, चाहे कोई चेक निकलेगा। तो भाइयों यही डालते हैं अंधाधुंध। ज़्यादा महंगे कीटनाशक डालना, खाद डालना भी तो बहुत किसान माइनस में जाता है। किसान भाइयों अब के हमने एक नई विधि अपनाई है, ट्रैक्टर का सादा लेजर। ये देखिए इसका एक खुरपा खोल दिया और इसको नेड़ा कर दिया, मतलब दोनों भाई से घटा के। अब भाइयों ये 42 इंच पे है, ये देखिए 42 इंच पे। तो भाइयों ये 42 इंच पे है, ये देखिए। और जो पोरी है, हर पोरी के बीच में एक पोरी की जगह छोड़ दी गई है, ये देखिए। ये मान लीजिए एक बिलांद पे आँख है, मतलब आँख से आँख के बीच की दूरी जो है एक कहीं 1 फुट है, कहीं 9 इंच है। ये 4-4 अंगड़ हमने गैप रखा है। और ये भाई ये खूड 42 इंच पे है। पिछली बार जो हमने बोया था ये 60 इंच पे था, क्योंकि हमें छोटा ट्रैक्टर नहीं लेना अभी, और जब तक छोटा ट्रैक्टर ना आए तो 60 पे बोना अकलबंदी नहीं है। ये 42 इंच पे एक लाभ लगा हमारे इस ट्रंच विधि के। जो सड़क की तरफ खूड हैं वो कुछ नेड़े थे और वो 36 और 42 पे थे, तो 42 का गन्ना बहुत मोटा है, बांधने में भी आराम रहा, 2 खुड़ मिलाने में 60 का नहीं मिल पाता। अब ये करीबन 6 इंच गहराई पे है, लेजर लागू चलाया। देखो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, अगर इसमें फेल हो गए तो फिर छोटा ट्रैक्टर ले लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है 42 इंच पे गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। और 36 भी नहीं किया हमने, क्योंकि कल को अगर हम ट्रॉली बाड़ने लगे तो इन दोनों खुड्डों के बीच में ट्रॉली आ जाएगी, एक खुड बीच में कर लेंगे। 36 इंच पे एक पे आती थी खुड पे, एक के ऊपर चढ़ के चलती थी। अब बिल्कुल सही आओगे भैया? तो इस पर ट्रॉली का हिसाब लगाया, अगर ट्रॉली खेत में बाड़नी पड़गी या बुग्गी, हाँ यहाँ दोनों पहिया आ जाएंगे, उसी सब कुछ नाप तोल करके हमने लिए। क्योंकि अक्सर ट्रॉली या बुग्गी खेत में बाड़नी पड़ती है, बुग्गी में तो दिक्कत पड़ेगी, झोटा खूड़ पे चलेगा, लेकिन ट्रैक्टर बिल्कुल सही चलेगा जहाँ बबलू के पैर है दोनों तरफ, दोनों किनारों पर खूड छोड़ कर ट्रॉली आराम से चल जाएगी। तो भाइयों ये 42 इंच पर लग रहे हैं आज, हम अपने आप ही हैं, हम पुनीत बबलू ठेकेदार है, और भी एक आधा जाएगा। हाँ ऐसे कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि हमने बीज आधे खेत का किया है और आराम शाम को फिर ट्रॉली डालनी है मील पर, आधा कल को बो देंगे 3 बीघे खेत। तो भाइयों ये विधि आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइयो। एक आँख का गन्ना है।
अभी मैं आपको बीज भी दिखाता हूँ कैसे किया है, क्योंकि इस 42 इंच पे ट्रैक्टर से हम मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं अपने से, इससे हल्की हल्की, बाकी देख लेंगे बांधना जब भी पड़ता है। ये भाई ये बीज काटा हमने, एक का कांक का कटा पड़ा है और ये कट्टों में डाल दिया, इसे पिछुंडी मार के खेत में ले जाएंगे। दवाई यहाँ नहीं की हमने, क्योंकि इसमें हाथ हो जाते थे सारे और फिर बीज निकालने में दिक्कत है। खूड में गेरने के बाद में बबलू स्प्रे मशीन से खूड में करेगा, वो भी तजुर्बा लेते हैं। आपने देखा ये हमने और तरीके से बोया है, 1 फुट की दूरी पे 30 इंच को आँख से आँख दूरी बढ़ा दी थी, पर 9 इंच पे है, फिर वो 28 इंच पे आ रही है हमारी, वो है तसला विधि। तो अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। अब देखते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन सी विधि बैठेगी। हाँ निकाल दे, खुद देख लेंगे भाइयों। भाइयों हर खूड 42 इंच पर रखा गया है, ये देखिए। बयालीस इंच पर छोटा जो लेजर ट्रैक्टर का होता है 3 खूड वाला, उसका एक बीच का खुरपा खोल के और उसकी दूरी घटा दी गई, तो ये 42 इंच पे सही बैठा। और फिर हमने पहिए नापे, कल को हम ट्रॉली अगर खेत में बाँटते हैं किसान भाइयों, तो ट्रॉली के टायर और ट्रैक्टर के खूड़ पे नहीं आएंगे, इनके बीच से थोड़ा सा बाहर की तरफ चलेंगे, लेकिन मेडे झुंडे का नुकसान नहीं होगा। अगर 36 इंच पर करते तो एक पहिया ऊपर आता एक खूड़ में आता, तो उससे नुकसान था। फिर हमने 42 इंच किया, ये भाइयों 42 इंच है, इसमें हम एक दो जुताई ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर पीछे बांध गए, क्योंकि ट्रैक्टर का पहिया खूड़ पे नहीं आएगा। तो कई विचार कई शोध करने के बाद में ये फाइनल हुआ है कि 42 इंच पर रखा जाए। खूड़ भी हम खूड़ में नहीं ला रहे, अलग अलग ला रहे हैं, अंदाज से थोड़ा बहुत घट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी हम जुताई झोटे से ही करेंगे या बैलों से, ट्रैक्टर का तो मतलब ही नहीं रहा। और 42 इंच पे गन्ने की मोटाई भी अच्छी होगी, फुलावट अच्छी होगी। 60 इंच 65 इंच बहुत चौड़ा बैठता है, उसके लिए फिर यंत्र जरूर चाहिए। इसमें दूरी घटने के कारण बांधने में भी आसान रहेगी। अब देखते हैं ये विधि कैसी कामयाब होती है दोस्तों। एक हमारा अपना नया एक्सपेरिमेंट है, कुछ भाइयों ने बताया 48 इंच पे करो, किसी ने 54 पे बताया, सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन हमारा जो लेजर था इसमें फिर काट छांट करनी पड़ती, इसलिए हमने काट छांट ना करके जहां हमें उचित लगा फिर हमने वहीं कर दिया। हर किसान की अपनी अपनी सोच है। 54 इंच पे भी चौड़ाई बढ़ जाती है 1 फुट, और ज़्यादा चौड़ाई होने के कारण फिर बांधने में दिक्कत आती है। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जब ये बू जाएगा इसके बाद में फिर आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, आपको मैं और के गन्ने दिखाता हूँ।